हाय गाइस, मेरा नाम है संदीप और फ्लैशिंग मेथड की बात करेंगे पोको X3 प्रो के लिए एंड्रॉयड 13 के लिए। सो एंड्रॉयड 13 रोम अगर आप डिक्रिप्शन के अंदर फ्लैश करना चाहते हो अपने पोको X3 प्रो के ऊपर, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक डिटेल्ड गाइड देने वाला हूं। और एंड्रॉयड 13 से एंड्रॉयड 12.1 के अंदर आप जो है डाउनग्रेड कर सकते हो सेम मेथड से। आपको मैं बताता हूं कैसे आप करोगे। अब सबसे पहले मेरा जो डिवाइस है ना वो डिक्रिप्टेड है, मैं आपको दिखाता हूं। सेटिंग के अंदर आप जैसे आओगे सिक्योरिटी और यहां पे एडवांस सेटिंग के अंदर आप देखोगे तो फोन नॉट इनक्रिप्टेड है, दैट मींस जो डिवाइस है वो डिक्रिप्टेड है। अब आप सबसे पहले डिवाइस को रीस्टार्ट करोगे अपने यहां पर जो है रिकवरी मोड के ऊपर। सो सिंपली पावर प्रेस करना, एडवांस के ऊपर जाना और रिकवरी मोड आप ओपन कर सकते हो। अभी मेरे पास एवोल्यूशन एक्स का 6.7 अपडेट इंस्टॉल्ड है और मैं एवोल्यूशन एक्स एंड्रॉयड 13 को फ्लैश करने वाला हूं इस मेथड से। और आपको बताऊंगा कि आप कैसे फ्लैश कर सकते हो, बेसिकली एंड्रॉयड 12 से एंड्रॉयड 13 के ऊपर आप कैसे जा सकते हो वो आपको इस वीडियो के अंदर अभी पता चलेगा। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, रिकवरी जैसे आपने यहाँ पर इंस्टॉल कर रखी है। अब बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, करंट टाइम में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो एक नया अपडेट आ चुका है ऑरेंज फॉक्स रिकवरी का बीटा वर्जन के अंदर, और वो एंड्रॉयड 12L बेस्ड है। तो यहाँ पर मैंने उसको डाउनलोड कर रखा है, आई थिंक आपको मैं दिखा देता हूँ। सो डाउनलोड के अंदर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर मैंने ऑरेंज फॉक्स का लेटेस्ट अपडेट इंस्टॉल कर रखा है, वैसे इंस्टॉल नहीं किया। अब मैं सबसे पहले रिकवरी अपडेट करता हूँ, आप चेक कर सकते हो। अगर आपको रिकवरी अपडेट करना है तो सिंपली आपने कोई भी रिकवरी यहाँ पर इंस्टॉल की हो, जस्ट ये वाली, जैसे मेरे को अभी अपडेट करना है लेटेस्ट ऑरेंज फॉक्स का ये वाला बिल्ड R11.1.4.2, तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और रीबूट के ऊपर क्लिक कर सकते हो। बेसिकली आपकी जो रिकवरी है वो ऑटोमेटिकली रीबूट होगी, तो देख सकते हो रिकवरी फ्लैश हो चुकी है या फिर अपडेट हो चुकी है और डिवाइस है ना अभी ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होगा रिकवरी के अंदर। तो यू कैन सी यहां पर जो रिकवरी है वो अपडेट हो चुकी है। अब सिंपली आपको करना क्या है, अब रिकवरी लेटेस्ट अपडेटेड बीटा वर्जन मैंने यूज किया है, अब इसके थ्रू एंड्रॉयड 12.1 से एंड्रॉयड 13 के ऊपर जाएंगे। और यहां पे आप देखोगे सबसे पहले आपको वाइप के अंदर आना है और यहां पे डेलविक मेटा डेटा डेटा और कैश, इनको आपको यहाँ पर जो है स्वाइप टू वाइप करना है। अब मैं सबसे पहले इनक्रिप्शन का मेथड आपके साथ शेयर करता हूँ। सिंपली आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले जो है अपनी लेटेस्ट फर्मवेयर को आप फ्लैश कर सकते हो। फिलहाल मेरे पास यहाँ पर लेटेस्ट फर्मवेयर डाउनलोडेड है, आप चेक कर सकते हो। आप कोई भी वैसे फर्मवेयर फ्लैश कर सकते हो, यहाँ पर कोई रिकमेंडेड फर्मवेयर नहीं रहता ऑलमोस्ट सभी कस्टम रोम के अंदर। तो आप जो है यहाँ पर MIUI 13 का, MIUI 12.5 का, 12 का भी वैसे जो है फर्मवेयर यूज कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा लेटेस्ट के ऊपर जाओ। और ये जो फर्मवेयर होता है ना ये सिर्फ AOSP रोम्स के ऊपर फ्लैश करना होता है। काफी लोग बोलते हैं कि MIUI के अंदर कौन सा फर्मवेयर फ्लैश करना है, MIUI के अंदर ऑलरेडी जो फर्मवेयर का पैकेज है वो ऑलरेडी रहता है, तो आपको MIUI के अंदर कोई फर्मवेयर फ्लैश नहीं करना पड़ता, ये सिर्फ AOSP रोम्स के लिए होता है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है अपना फर्मवेयर फ्लैश करना है, उसके बाद आपको आ जाना है रोम के ऊपर। तो सिंपली मैं अभी जो है ये वाली रोम इंस्टॉल करूंगा, आप चेक कर सकते हो। ये है यहाँ पर एवोल्यूशन एक्स का लेटेस्ट अपडेट और ये एंड्रॉयड 13 बेस्ड है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है इंस्टॉल कर लेना है इसको, मैं सिंपली आपको बता देता हूँ। तो इन दोनों को इंस्टॉल करना है और ये वाला मेथड फिलहाल के लिए इनक्रिप्शन के अंदर है। अब आपकी जो रोम है ना वो जैसे ही यहाँ पर फ्लैश हो जाएगी और उसके बाद आप सिंपली जो है आपको मैं बताता हूँ क्या स्टेप्स करने हैं। तो बेसिकली जो रोम है वो फ्लैश हो चुकी है फर्मवेयर के साथ में। अब अगर आप इनक्रिप्टेड हो ना तो आपको सिंपली करना क्या है, लास्ट स्टेप फॉर्मेट डेटा है ना इसके अंदर यस टाइप करना और इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो टिक के ऊपर, आपका जो फॉर्मेट है ना डेटा वो फॉर्मेट हो जाएगा जो डेटा है बेसिकली, और डिवाइस आप रीस्टार्ट कर सकते हो, जो आपकी रोम होगी वो बूट करेगी इनक्रिप्शन के अंदर। अब अगर आप यहाँ पर डिक्रिप्शन के अंदर रोम को फ्लैश करना चाहते हो पोको X3 प्रो के ऊपर और एंड्रॉयड 13 रोम को फ्लैश करना चाहते हो, लाइक मैंने आपके सामने एंड्रॉयड 13 रोम को फ्लैश कर रखा है, तो इसके लिए एक डिफरेंट सा DFE आ चुका है जो कि आपको मैं दिखा देता हूं। सो यहां पर आपको एक फाइल देखने को मिल जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी यहां पे। सो ये वाली DFE zip है, ये एंड्रॉयड 13 के लिए है, सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड 13 के लिए। मैं इसको स्वाइप टू इंस्टॉल करूंगा और मेरी जो रोम है ना वो यहां पर डिक्रिप्शन के अंदर इंस्टॉल होने वाली है पोको X3 प्रो के लिए। अब काफी सारे लोग पता क्या करते हैं, रोम को फ्लैश कर लेते हैं, उसके बाद एक बार रिकवरी को रीबूट करते हैं, देन उनका जो डेटा वो शो नहीं करता, उस केस में आपका जो डिवाइस है वो इनक्रिप्ट हो जाता है और उसमें जो है आपको USB पेन ड्राइव की हेल्प से इनक्रिप्शन के अंदर एक बार रोम को फ्लैश करना होता है। बाकी आप बाद में इसको चेकआउट कर सकते हो। अब ये एंड्रॉयड 13 का है
और अगर आपको एंड्रॉइड 12.1 के ऊपर वापस आना है एंड्रॉइड 13 से, सिंपली वाइप के अंदर वही सब कुछ वाइप करना है, देन फर्मवेयर फ्लैश कर लेना, कोई भी चलेगा, एओएसपी रोम फ्लैश करना या फिर MIUI भी फ्लैश कर सकते हो। और ये वाला फॉर्म जो आपको यहाँ पर डिक्रिप्शन वाला जिप है ना, जो डाइनी DFE है, इसको आप फ्लैश कर लेना। इसका 3.0 अपडेट भी आ चुका है, जिसका लिंक मैं मोस्ट प्रोबेबली डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, उसको डाउनलोड कर लेना। ये वाला आपको जो है देखने को मिलता है एंड्रॉइड 12.1 के लिए या फिर उससे नीचे वाले वर्जन के लिए। और ये जो DFE.zip सिंपल है ना, ये एंड्रॉइड 13 के लिए है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब मैंने यहाँ पर इसको फ्लैश कर लिया, अब सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, अपने डिवाइस को सिस्टम के ऊपर रिस्टार्ट कर सकता हूँ और मेरी जो रोम है वो बूट करेगी एंड्रॉइड 13 के अंदर एवोल्यूशन एक्स के लेटेस्ट अपडेट के ऊपर, जो कि आपको मैं अभी यहां पर दिखा भी देता हूं। तो एज यू कैन सी जो रोम है वो बूट कर चुकी है एंड थोड़ी देर बाद इसका जो है सेटअप पेज वगैरह भी आ जाएगा। आई नो, क्योंकि मैंने फ्लैशिंग मेथड प्रॉपरली यहाँ पर फॉलो किया है। अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो फ्लैशिंग के रिगार्डिंग, तो डेफिनेटली ये वाला गाइड आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। अगर कोई और क्वेरी हो तो कमेंट्स में बता सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सो ये इसका लेटेस्ट जो है एंड्रॉइड 13 अपडेट मैंने इंस्टॉल कर लिया। अब अगर आप इसका वीडियो पूछना चाहते हो तो वो आपको थोड़े ऑलमोस्ट कल या फिर परसों देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं अभी 2 दिन के लिए घर जा रहा हूं और आते ही आपको इसका वीडियो डेफिनेटली देखने को मिलेगा और GCam का वीडियो भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा जल्दी ही। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब, एंड मिलेंगे न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।